Hi everyone. In this video, we are studying about the powers of Congress. Congress is the parliament of USA, United States of America. It's a bicameral legislature with two houses, Senate and House of Representatives. In my previous video, we have read about the powers of the chambers of Congress separately. So now in this video, we are studying the powers of Congress as a whole. एज अ सिंगल बॉडी हम इसके पावर्स के बारे में देखेंगे. सेनेट सॉरी कांग्रेस के पावर्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट मींस लॉ मेकिंग पावर, एंड देन अदर इज नॉन लेजिस्लेटिव पावर. सी, अगर आपने अब से पहले की सारी वीडियोज बहुत अच्छे से देखी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. आई हैव मेंशन द लिंक ऑफ ऑल माई प्रीवियस वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अब वहां से एक बार पहले वाली वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि वो अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द पावर्स ऑफ कांग्रेस. लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट मींस लॉ मेकिंग पावर्स. द फर्स्ट इज डेलीगेटेड पावर. देयर आर सम 18 पावर्स. सम ऑफ देम आर मेंशन देयर. टू ले एंड कलेक्ट टैक्सेस, टू बोरो मनी ऑन क्रेडिट ऑफ यूएसए, कॉमर्स विद फॉरेन नेशन. से ये वो पावर्स हैं जो स्टेट्स के पास में नहीं है. हमने तीन लिस्ट के बारे में पढ़ा था. पहली लिस्ट, व्हाट कांग्रेस कैन डू. सेकंड लिस्ट, व्हाट कांग्रेस कैन नॉट डू. एंड द थर्ड लिस्ट, व्हाट स्टेट्स कैन नॉट डू. तो हमने ये भी देखा था, जो फर्स्ट लिस्ट है, दैट व्हाट कांग्रेस कैन डू, उसके अंदर बहुत स्पेसिफिकली 18 पावर्स मेंशनड है. सो दीज आर दोज 18 पावर्स. इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई और अल्टरनेटिव है नहीं. कॉइन मनी एंड फिक्स स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ काउंटरफीटिंग द सिक्योरिटीज एंड करेंसी कॉइन ऑफ यूएसए, रेज एंड सपोर्ट आर्मीज, प्रोवाइड एंड मेंटेन द नेवी. देखो, ये सब वो पावर्स है जो कांग्रेस जो है एज अ कंट्री, पूरे एक कंट्री के लिए करती है. हर एक स्टेट अगर ये सब करने लग जाए तो स्टेट्स का बहुत खर्चा हो जाएगा. तो इसीलिए ये सारे पावर्स सिर्फ कांग्रेस के पास में है. ऑर्गेनाइजिंग आर्मी एंड डिसिप्लिनिंग द मिलिट्री, एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, मेक रूल्स फॉर द गवर्नमेंट, रेगुलेट द लैंड नेवल फोर्सेस, डिक्लेयर वॉर. तो ये सब पावर्स एक्सक्लूसिवली कांग्रेस के पास में है. कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर इन पावर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. Then comes the implied powers. हमने देखा था that the Constitution of America is a skeleton constitution. सिर्फ broad lines given है वहाँ पे. There is nothing specified. एकदम explained concept नहीं है इसके अंदर. तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, implied powers बहुत सारे हैं USA के Constitution के अंदर. तो जो एक doctrine था, doctrine of implied powers, इसके बारे में मैंने almost हर video के अंदर आपको बताया है. इट वॉज स्टार्टेड इन 1819. इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पावर्स डिवाइड कर देता है. कुछ पावर्स उसने प्रेसिडेंट को दे दिए और कुछ पावर्स उसने इसी तरीके से कांग्रेस को दे दिए. सो फर्स्ट इम्प्लाइड पावर इज मेक लॉज विच शैल बी नेसेसरी एंड प्रॉपर फॉर कैरिंग इन टू एग्जीक्यूटिव द फॉलोइंग पावर्स. तो ऐसे लॉज बनाता है कांग्रेस, और जितने भी नेशनल बैंक्स हैं, फेडरल रिजर्व बैंक्स हैं, ये सब भी कांग्रेस ही रेगुलेट करता है. फूड एंड फ्यूल कंजम्पशन, ये भी कांग्रेस रेगुलेट करेगा. स्टॉक एक्सचेंजेस भी, और इशू ऑफ सिक्योरिटीज. मेजर जितना काम है वो सब कांग्रेस के पास में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्लाइड पावर से उसे दिया है. कॉन्करेंट पावर्स वो होती हैं जो कांग्रेस और स्टेट दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि बैंक्रप्टसी के अगेंस्ट कोई लॉ बनाना है, वेट और मेजर्स का स्टैंडर्ड फिक्स करना, मनी बोरो करना है, चार्टर बैंक्स, पोस्टर एजुकेशन, ये सारे पावर्स जो हैं ये स्टेट कांग्रेस दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं. देन कम्स नॉन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ कांग्रेस. पहला तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर कि इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. ना तो प्रेसिडेंट इसके सेशंस अटेंड करता है, ना ही कोई मिनिस्टर इसके सेशंस के अंदर बैठता है, ना प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो इसके सेशंस को प्रोरॉग कर दे. इसी तरीके से कांग्रेस के पास में भी कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कर सके.
नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंस ऑफ मोशन, ऐसा कोई मोशन कांग्रेस पास नहीं कर सकता। कांग्रेस के पास में हाउएवर एक पावर है टू डिक्लेयर द वॉर, जो एग्जीक्यूटिव के पास में नहीं है, एंड टू परमिट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। बहुत लिमिटेड कंट्रोल है इसका, जो हमने देखा था अपॉइंटमेंट्स के लिए और फॉरेन ट्रीटीज के लिए, सिर्फ इतना ही कंट्रोल है कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव के ऊपर। लेकिन हमारी कंट्री में, हम इंडिया में देखें तो काफी कंट्रोल है, बिकॉज हम लोग जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सकते हैं, सेंसर मोशन है, ये सारे मोशन चला सकते हैं। चाहे तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को हम इनकी सीट से इम्पीच कर सकते हैं। देन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क जो है वो कांग्रेस कंट्रोल भी करता है, डायरेक्ट भी करता है। जो स्टेट से उन सबको ग्रांट से नेट देता है, मनी प्रोवाइड करता है, सभी की सैलरीज फिक्स करता है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है कि सारा काम अच्छे से हो जाए, मैनेज करना इन अ वे, तो पैसा देना, सैलरीज कितनी होनी चाहिए, कौन से एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है उसका रिपोर्ट लेना। बिकॉज पैसा दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, तो वैसे ही वहां से रिपोर्ट लेना। एक चीज और है कि जो कंट्रोलर जनरल है, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। हमारे यहाँ ये नहीं होता, द कंट्रोलर जनरल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर हिज एक्ट्स। देन कम्स द फाइनेंशियल पावर्स। कांग्रेस नेशनल पर्स को कंट्रोल करता है, बिकॉज ही इज द वन जो स्टेट्स को ग्रांट्स एंड एड्स देता है, फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी कुछ सब्सिडीज देता है। कोई चेंज करना है फाइनेंशियल सिस्टम में, कांग्रेस करेगा। एनुअल बजट भी कांग्रेस पास करता है। हाउएवर एनुअल बजट जो है वो ब्यूरो ऑफ बजट बनाता है प्रेसिडेंट के सुपरविजन के अंदर, लेकिन फिर भी इसको एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेस ही पास करता है। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी हैं कांग्रेस की, हमने देखा था। सीनेट कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमिटीज, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये सारा काम कांग्रेस देखता है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, ये चीज सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से हुई है। जुडिशियल पावर्स है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएट कर सकता है, और सीनेट उसके अंदर एज अ सोल कोर्ट या एक जुडिशियल पावर की तरह बैठता है, और ये अपने खुद के मेंबर्स के ऊपर भी डिसिप्लिनरी पावर्स यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मेंबर सही डिसिप्लिन में नहीं है, सो दे हैव द पावर टू एक्सपेल दैट मेंबर फ्रॉम द हाउस। इलेक्टोरल पावर्स क्या है कि इसका हर 4 साल बाद एक जॉइंट सेशन होता है 6 जनवरी को, जिसमें दे ऑल गैदर टू काउंट वोट्स। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं ना लोग स्टेट कैपिटल में जाकर, तो उसके वोट्स कांग्रेस ही काउंट करता है। अगर वोटिंग के अंदर किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो फिर क्या आगे स्टेप होने चाहिए, फर्स्ट 3 में से किसे प्रेसिडेंट बनाना है, क्या करना है, ये सब चीजें भी कांग्रेस ही डिसाइड करता है। और फिर इलेक्शंस कहाँ होंगे सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, कब होंगे, कहाँ होंगे, ये सारी चीजें भी कांग्रेस ही डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस में है कि ये अमेंडमेंट्स कर सकता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट दोनों के पास में सेम पावर्स हैं अमेंडमेंट को लेकर के। और फिर स्टेट्स कैसे रेटिफाई करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर से या कोई स्पेशल कन्वेंशन से, ये भी कांग्रेस ही डिसाइड करेगा। कांग्रेस हाउएवर इनको एक टाइम लिमिट भी दे सकता है कि आपको 1 महीने के अंदर आपको ये रेटिफाई करके वापस भेजना। दीज वर द पावर्स ऑफ कांग्रेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपको कांग्रेस के पावर्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। आप एक बार सिर्फ हेडिंग में देखोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये सब वही पावर्स हैं जो हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के बारे में पढ़े थे। उन सभी को मिक्स कर ब्रॉड लाइंस के अंदर पावर्स को कैटेगराइज किया हुआ है। सो इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।